हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब तो बच्चों हमने सेल वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अब वो है कंपार्टमेंट ऑफ द सेल सेल जो है उसमें कौन कौन से कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं तो बच्चों सेल में तीन कंपार्टमेंट होते हैं तो कौन कौन से हैं वो तीन कंपार्टमेंट सेल के एक तो है सेल की कवरिंग दूसरा है जो उसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है साइटोप्लाज्मा और तीसरा न्यूक्लियस जो पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है तो ये तीन क्या है कंपार्टमेंट ऑफ द सेल अब इन तीनों में हम देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा कवरिंग में कौन कौन सा आएगा साइटोप्लाज्मा में क्या क्या आता है न्यूक्लियस में क्या क्या आता है तो सबसे पहले हमने कवरिंग की बात की है यहाँ पे अब कवरिंग में हमने पढ़ लिया बेटा प्लांट सेल जो है उन पे वॉल होती है एनिमल सेल में मेम्ब्रेन होती है है ना पढ़ा है ना तो कवरिंग जो है एक तो सेल वॉल की कवरिंग होती है सेल पे और दूसरा सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है ठीक है अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होगी और सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल पे प्रेजेंट होगी ठीक है वैसे मेम्ब्रेन दोनों में ही होगी मेम्ब्रेन प्लांट में भी होगी और मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या है सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी ठीक है तो ये तो हो गई कवरिंग एक सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट में ही है और सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होगी और एनिमल में भी होगी फिर है साइटो अब साइटो में देखो क्या क्या आता है साइटोप्लाज्मा में एक तो आ जाएगा मैट्रिक्स पूरा फ्लूड जो है उसको हम बोल सकते हैं साइटोसोल क्या बोल सकते हैं साइटोसोल सॉल्यूशन ऑफ द सेल और क्या आएगा बेटा इसमें सेल ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा में उसको हम क्या बोल देते हैं सेल ऑर्गेनल्स बोल देते हैं उसके बाद है इसमें थर्ड आएंगे सेल इक्लूजन बॉडीज़ क्या आएगा इसमें सेल इंक्लूजन बॉडीज़ सेल इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं ये क्या होती हैं ये होती हैं वेस्ट बॉडीज़ या फिर बोल सकते हैं डेड बॉडीज़ जो सेल के अंदर बिल्कुल वेस्ट होता है जैसे स्टार्च है या फिर सुक्रोज के पार्टिकल्स हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट फॉर्म में सेल में पड़े होते हैं उनको इंक्लूजन बॉडीज बोला जाता है ठीक है मैट्रिक्स या फिर साइटोसोल सॉल्यूशन ऑफ द सेल सेल ऑर्गेनिलीज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनिलीज कहा जाता है तो बेटा सेल ऑर्गेनिलीज जो हैं ये भी दो टाइप की होती हैं कौन कौन सी होती हैं दो टाइप की एक वो जिन पे मैम्ब्रेन नहीं होती ऑर्गेनलिस एक वो जिन पे मेम्ब्रेन नहीं होती और दूसरे वो जिन पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिन पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है वो कौन कौन से होते हैं वो दो ही हैं जिन पे मेम्ब्रेन नहीं होती एक तो है राइबोसोम पे मेम्ब्रेन नहीं होती और दूसरा है सेंट्रोसोम ठीक है एक राइबोसोम और एक सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम जो है इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है कितने दो ठीक है पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम बोला था हमने जब हमने डायग्राम बनाया था एनिमल सेल का तब मैंने उसमें बताया था आपको ठीक है उसके बाद है बेटा जिसपे मेम्ब्रेन हो तो ऐसी कौन कौन सी हैं ऑर्गेनली जिन पे मैमब्रेन है तो जिन पे मैमब्रेन है उनको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जिन पे मेम्ब्रेन है उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक वो जिन पे क्या है सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है और एक वो जिन पे क्या है डबल मेम्ब्रेन है तो जिन पे डबल है पहले वो कर देते हैं और डबल वाले में से आपका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नीट में तो डबल कौन कौन से होते हैं दो ही होती हैं एक तो है क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों में प्रेजेंट होता है ठीक है तो डबल मेम्ब्रेन में क्या क्या आया है बेटा दो आई हैं ऑर्गेनली एक तो है क्लोरोप्लास्ट जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया एक चीज़ तो ये हो गई एक क्वेश्चन तो ये बन गया अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ आप से आपसे पूछा जाता है फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनली का नाम बताओ सेल में जो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनली है उसका नाम बताओ तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनली है वो कौन सी है क्लोरोप्लास्ट प्लांट और एनिमल दोनों को मिला के ठीक है और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है सेल जो है उनमें फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो कौन सी है माइटोकॉन्ड्री अब है यहाँ पे जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सिंगल मेम्ब्रेन में गोल्जी बॉडीज आ गई लाइसोसोम आ गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया ठीक है तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक साइटोप्लाज्मा तक उसके बाद है फिर न्यूक्लियस अब न्यूक्लियस जो है उसमें क्या क्या आएगा न्यूक्लियस में भी कई चीजें आएंगी एक जो न्यूक्लियस की कवरिंग है उसको हमने क्या बोल दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में क्या होते हैं न्यूक्लियर पोर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियो प्लाज्मा कुछ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर भी है क्या बोल दिया न्यूक्लियोलस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं क्या बोल दिया न्यूक्लियोइड्स ठीक है तो ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर तो ये है बच्चों कंपार्टमेंट ऑफ द सेल थ्री थ्री कम्पार्टमेंट है कवरिंग है जो अंदर फ्लूड है वो और न्यूक्लियस ठीक है नेक्स्ट देखो अब देखो बच्चों अब अब मैं आपको छोटा सा एक बता रही हूँ छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल उसमें से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है हमारा बोर्ड में भी आ जाता है कॉम्पिटिशन में भी आ जाता है तो आपको ये याद रखना है देखो अगर मैंने सेल पे से वॉल को रिमूव कर दिया अगर मैंने सेल पे से वॉल को रिमूव कर दिया तो जो स्ट्रक्चर बचा उसको हम क्या बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट क्या बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट उसके बाद अगर मैंने मेम्ब्रेन को भी रिमूव कर दिया तो जो स्ट्रक्चर बचा उसको बोलते हैं प्रोटो प्लाज्मा ठीक है अब मैंने क्या किया न्यूक्लियस को भी रिमूव कर दिया न्यूक्लियस को भी रिमूव कर दिया एक एक करके रिमूव करते जा रहे हैं ना तो न्यूक्लियस को भी रिमूव कर दिया तो उस स्ट्रक्चर को बोल दिया अब हमने साइटो प्लाज्मा अब हमने साइटोप्लाज्मा में से क्या कर दिया ऑर्गेनिलीज को भी हटा दिया किसको हटा दिया ऑर्गेनिलीज को भी हटा दिया तो जो स्ट्रक्चर बचा उसको हमने बोल दिया क्या साइटोसोम या साइटोसोमा या फिर क्या बोल सकते हैं हेलो है प्लाज्म क्या बोल सकते हैं हयालो है प्लाज्म, तो हमने सेल पे से वॉल को हटा दिया तो प्रोटोप्लास्ट बन गया मेम्ब्रेन को हटा दिया तो प्रोटोप्लाज्म बन गया न्यूक्लियस को हटा दिया तो साइटोप्लाज्म बन गया उसमें से अगर ऑर्गेनलीज को हटा दिया तो साइटोसोम या फिर क्या बोल सकते हैं उसको हैलो प्लाज्म, ठीक है तो देखो अब इसमें से बेटा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रोटोप्लास्ट भी पूछा हुआ है कई बार साइटोसोम भी पूछा हुआ है ठीक है तो ये आपको अच्छे से याद रखना है उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं ठीक है क्या क्या प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन जो है ये किसकी बनी हुई है मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन किसकी बनी हुई है फोस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन की बनी हुई है ठीक है इन सेल मेम्ब्रेन रेशो ऑफ फोस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर वेरिएबल हमेशा मतलब जो प्रोटीन और फोस्फोलिपिड का जो रेशो होता है जिससे मेम्ब्रेन बनी हुई है वो चेंज होता रहता है इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है डायनेमिक मेम्ब्रेन है ये डायनेमिक का मतलब क्या है जो चेंज करती रहे ठीक है तो क्या है डायनेमिक मेम्ब्रेन है ये फोर्थ पॉइंट क्या है इट इज सिलेक्टिवली परमेबल क्या है ये इट इज सेलेक्टिवली परमेबल ठीक है कई सारे बुक्स में लिखा हुआ है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिवली परमेबल भी कह सकते हैं और सेमी परमेबल भी कह सकते हैं दोनों कह सकते हैं तो एक केस यहाँ पे ले लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे भी कर लिया एक इसके अंदर है डाइल्यूट एच ठीक है और इसमें मैंने एक एग को रखा ठीक है अब एग जो है इसकी जो कवरिंग होगी बाहर जो इसकी कवरिंग है एग की वो किसकी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की किसकी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो ये एसिड है उसके साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएगा उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा और बाहर की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी हट जाएगी तो जो मेम्ब्रेन बची बची हुई जो मेम्ब्रेन यहाँ पे है वो रिएक्ट करेगी एज ए सेमी परमेबल कैसे रिएक्ट करेगी एज ए सेमी सेमी परमेबल बट वैसे नेचर कैसा होता है सिलेक्टिवली परमेबल इसलिए कई सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमेबल भी बोल सकते हैं और सेमी परमेबल भी बोल सकते हैं ठीक है अब क्या है कि जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता होनी शुरू हो गई तो कई सारे मॉडल भी आए इसके लगभग तीस से चालीस सेल के मॉडल आए थे बट उनमें से कुछ एक ही सक्सेसफुल हुए थे बाकी सब ने वो सारी प्रॉपर्टी सेल की नहीं बताई जो सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है तो उसमें से हम कुछ दो या तीन को डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से थे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है बट कई सारी बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि वो सेमी परमेबल भी होती है और ये हमने अभी आ, करके देखा है कि किस तरह से हमने सेलेक्टिवली और सेमी परमेबल उसको बोला है तो बच्चों नया मॉडल जो है हमारा वो है हमारा सैंडविच मॉडल ठीक है देखो वैसे तो क्या है मोर देन 50 मॉडल जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आए थे बट हम उन सबको डिस्कस नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पे सिर्फ मेन मेन को डिस्कस करेंगे तो मैंने आपको कहा था कि हम सिर्फ तीन मॉडल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहला जो है वो हमारा सैंडविच मॉडल है इसके बाद जो करेंगे वो हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होगा और जो फाइनल मॉडल जो हम करेंगे लास्ट में वो होगा हमारा फ्लूड म्योशैक मॉडल ठीक है तो ये फर्स्ट जो है वो है हमारा सैंडविच मॉडल तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इस मॉडल के बारे में बताया और क्या क्या बताया तो फर्स्ट क्या है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय Dinelli and डेवसन किसने दिया बेटा इसको डिनेली एंड डेवसन ने इसलिए हम इस मॉडल को डेवसन मॉडल भी बोलते हैं ठीक है और और क्या क्या प्रॉपर्टी बताई इस मॉडल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोस्फो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है और एक बाया लेयर होती है इसके अलावा और क्या कहा प्रोटीन्स जो प्रोटीन है इसमें प्रोटीन्स आर द ग्लोब्यूलर सॉरी आर द एल्फा ग्लोब्यूलर कौन से हैं एल्फाग्लॉब्यूलर प्रोटीन अब देखो ग्लोब्यूलर है तो इसका मतलब क्या है कि जो शेप जो है उसकी वो कैसी है राउंडेड है कैसी है राउंडेड है ठीक है तो बेटा जो ग्लोब्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है ग्लोब्यूल जो है यहाँ पे वो स्पैरिकल स्ट्रक्चर के हैं इसका मतलब क्या है जो डेवसन मॉडल है उसमें जो प्रोटीन बताए हैं डेवसन ने वो कैसे होंगे स्पैरिकल शेप के होंगे और क्या बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज एम्फेफेथिक मेम्ब्रेन। एम्फेफेथिक कैसे हुई बेटा देखो यहाँ पे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें एक इस तरह का ये पार्ट है और एक ये है ये वाला जो पार्ट है ये है ग्लिसरॉल। और इसी के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है एक फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है मेम्ब्रेन ऐसे बनी होती है इस तरह का पार्ट है ये जो नीचे जो है ये है टू फैटी एसिड क्या है ये टू फैटी एसिड टू फैटी एसिड और ये जो है बेटा ये क्या है ग्लिसरॉल है ठीक है ग्लिसरॉल जो है हेड ऑफ द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के हेड पार्ट पे ये प्रेजेंट है और उसी के जस्ट ऊपर फॉस्फेट भी प्रेजेंट है और ये क्या है रिएक्ट एज ए पोलर और हाइड्रोफिलिक हेड हाइड्रोफिलिक हेड एंड पोलर पोलर तरह रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोफिलिक नेचर है और ये क्या है दो फैटी एसिड है दो फैटी एसिड है तो क्या है टेल वाला पार्ट है एंड नॉन पोलर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक क्या है बेटा नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अब देखो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है वाटर लविंग जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ आसानी से रिएक्शन करे जो वाटर के मॉलिक्यूल को अपने अंदर से ट्रांसफ़र होने दे हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं लिपिड्स लविंग एंड वाटर मॉलिक्यूल हेटर्स वाटर के मॉलिक्यूल से क्या करते हैं हेट करते हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे सिर्फ किसको होने देंगे जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल होंगे तो क्या कहा ध्यान से समझो इस तरह से क्या है ये स्ट्रक्चर दे रखा है बाया लेयर होती है तो एक जैसे लेयर यहाँ पे है दूसरी लेयर यहाँ पे दो लेयर ऐसे होंगी ये यहाँ पर बाया लेयर है तो उसमें क्या है ये हेड वाला पार्ट है और ये उसका टेल वाला पार्ट है हेड वाले पार्ट के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और जो हेड वाला पार्ट है ये ग्लिसरॉल जो कि हाइड्रोफिलिक पॉलर की तरह रिएक्ट कर रहा है और नीचे क्या है टू फैटी एसिड एक एक ग्लिसरॉल के साथ टू फैटी एसिड जुड़े हुए हैं तो दो फैटी एसिड कैसे रिएक्ट कर, कर रहे हैं हाइड्रोफॉबिक की तरह रिएक्ट कर रहे हैं इसीलिए क्या है ये पोलर एंड नॉन पोलर दोनों है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक इसीलिए इसको क्या बोला है एम्फेफित नेचर बोला है क्या बोला है एम्फेफित नेचर बोला है इसको ठीक है दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा है पोलर नॉन पोलर ठीक है तो इसलिए क्या बोल दिया एम्फेफित नेचर बोल दिया हमने इसका उसके बाद देखो एक बार जो ये डिनेलियन दिने, डेवसन ने अपने जो पॉइंट बताए हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार कुछ इस तरह से मॉडल दिया था बायलेयर है ठीक है ये वाला पार्ट क्या हो गया अभी बताया मैंने आपको हाइड्रोफिलिक हेड हेड हाइड्रोफिलिक ये क्या है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक टेल ठीक है और और क्या कहा था इस मॉडल में कि भाई इसमें प्रोटीन कौन सा है अल्फा एल्फाग्लॉब्यूलिन जो कि एक स्पैरिकल फॉर्म होती है तो यहाँ पे प्रोटीन को भी दिखा देते हैं ये प्रोटीन हो गए ठीक है बेटा ये प्रोटीन प्रेजेंट हैं और ये प्रोटीन जो है ये कौन से प्रोटीन है यहाँ पे अल्फा एल्फाग्लॉब्यूलिन प्रोटीन है जो कि जस्ट हेड वाले पार्ट के साथ ही प्रेजेंट हैं ग्लोब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट हैं अल्फा ग्लोब्यूलिन ठीक है देखो ये प्रोटीन हो गए ये यहाँ पे फोसफो लिपिड्स की पूरी लेयर है ये पूरी लेयर जो है ये ये क्या है बायो लेयर दैट इज़ द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन अब देखो इसमें जो ये हेड वाला पार्ट है ये ऊपर हेड वाले हैं ना सारे हेड वाले पार्ट क्या है एक दूसरे के ओपोजिट हैं और ये टेल वाला पार्ट है ये टेल वाले पार्ट हैं टेल वाले पार्ट क्या है एक दूसरे के फेस टू फेस हैं हेड वाले पार्ट एक दूसरे के ओपोजिट हैं टेल वाले पार्ट एक दूसरे के फेस टू फेस हैं ठीक है अब क्या है जो ये लेयर और ये लेयर जो आपस में ये जुड़ी हुई हैं इनके बीच में फोर्स कौन सी है वीक वेंडरवाल फोर्स कौन सी है बेटा वीक वेंडरवाल फोर्स ये आपको याद रखना है क्वेश्चन आया हुआ है पहले आपका तो कौन सी फोर्स से जुड़े हुए हैं फोर्सफुल लिपिड्स के मॉलिक्यूल आपस में कौन सी फोर्स वीक वेंडरवल फोर्स ठीक है और जो वीक वेंडरबल फोर्स है वो किसके बीच में होगी बीच में जो यहाँ पे ये यह हाइड्रोफोबिक पार्ट है उनके बीच में जो एक फोर्स लग रही है उसको बोला है हमने यहाँ पे ठीक है ये बात हो गई क्लियर उसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आया एक फैट सोल्यूबिल मॉलिक्यूल ठीक है और एक यहाँ पे आया वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल एक यहाँ पर आ गया फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल और एक आ गया वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल अब इनका ट्रांसपोर्ट देखना है कि भाई क्या डेवसन ने जो मॉडल दिया उसमें जो वाटर सोल्यूबल और जो फैट सोल्यूबल क्योंकि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि भाई वाटर के मॉलिक्यूल को नहीं करेगी सिर्फ फ़ैट को करेगी या फिर फैट को नहीं करेगी सिर्फ वाटर को करेगी इसका मतलब क्या है जो डेव्सन मॉडल दे रहा है उसको भी ये चीज़ें अपने मॉडल में दिखा देनी चाहिए कि भाई फैट का मॉलिक्यूल है तो किस तरह से ट्रांसफ़र होएगा और अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो कैसे ट्रांसफ़र होएगा ठीक है देखो बेटा ये फैट का मॉलिक्यूल है ये इसके पास आया बाहर क्या है प्रोटीन अब प्रोटीन क्या करते हैं किसी को भी रोकने का काम नहीं करते तो ये आसानी से ट्रांसफर हो गए यहाँ से चले गए क्योंकि पोर प्रेजेंट होते हैं मैम पे उसके बाद ये वाला पार्ट क्या है हाइड्रोफोबिक मतलब लिपिड्स लविंग और फैट जो है उसको लिपिड्स ही तो कहते हैं तो यहाँ से क्या हो गया आसानी से ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र हो गया ये भी क्या है हाइड्रोफोबिक फिर से पोर में से ट्रांसफर हो होकर प्रोटीन से चला गया मतलब कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं आई ये तो हो गया भाई फ़ैट के मॉलिक्यूल आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे अब हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की अब वाटर का मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे आया प्रोटीन ने तो इसको भी नहीं रोका यहाँ से कहाँ पहुँच गया यहाँ पे अब यहाँ से क्या है ये तो हाइड्रोफिलिक थे और वैसे भी पोर होते हैं मेमब्रेन पे तो यहाँ से भी क्या हो गया आसानी से ट्रांसफ़र बात आई किसकी यहाँ की बात आई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यह पूरा पार्ट जो है ये कैसा है हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफोबिक सिर्फ लिपिड्स को ट्रांसफ़र करता है ना कि किसको वाटर के मॉलिक्यूल को तो इसका मतलब क्या है ये उसको क्या कर देगा जाने ही नहीं देगा इस चीज़ के बारे में डैवसन मॉडल में कुछ भी नहीं बताया गया मतलब डैवसन मॉडल जो है उसके रिजेक्शन की एक वजह ये भी थी कि इसने क्या नहीं बताया कि भाई फ़ैट के, के मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफ़र होने वो इसने बता दिया बट वाटर के मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफर होंगे वो इसने नहीं बताया तो एक रिजेक्शन का कारण ये भी था ठीक है तो आपको याद रखना है रिजेक्शन की कौन कौन सी वजह थी एक तो रिजेक्शन की वजह क्या थी कि इसने क्या नहीं बताया कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा नहीं बताया ठीक है दूसरा हमने इससे पहले जब मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको कहा कि भाई मेम्ब्रेन का नेचर होता है डायनेमिक और डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड और जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इन दोनों की रेशो जो है वो वेरिएबल होती है मतलब चेंज होती रहती है कहने का मतलब है कि इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स की रेशो होती है वो चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं डायनेमिक नेचर अब क्या उस चीज़ को डैवसन मॉडल ने यहाँ पे साबित किया तो देखते हैं एक चीज़ जैसे मैंने इतना पार्ट ले लिया यहाँ का ये पार्ट अब यहाँ पे देखो ये कितने मॉलिक्यूल हैं वन टू थ्री फोर फोस्फोलिपिड के कितने हैं फोर उसके बाद देखो प्रोटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व कितने हो गए ट्वेल्व कितने हो गए ट्वेल्व अब देखो अब हर एक में ये करेंगे ना दो ये उसके ऊपर तीन तीन हैं तो ये रेशो क्या है चलती जा रही है अब इसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि भई ये रेशो चेंज होगी तो कैसे होगी या फिर अगर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल अगर मूव करेंगे ये फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल अगर मूव भी करेंगे तो कैसे करेंगे तो उसने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया तो ये भी उसका रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण था कि भाई उसने क्या कहा कि भई ये रेशो जो है फोसफोलिपिड और प्रोटीन की ये क्या है क्या है ये कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका नेचर कैसा हो गया रिजिड कैसा हो गया रिजिड बट ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि कैसा होता है डायनेमिक होता है तो इसलिए क्या है ये मॉडल क्या हो गया बेटा रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्शन के दो कारण क्या थे एक तो ये ये नहीं बता पाया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होगी दूसरा ये ये नहीं बता पाया फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन दोनों की जो रेशो होती है वो वेरिएबल कैसे होगी मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका डायनेमिक नेचर कैसे होता है इन चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक है अब सैंडविच मॉडल इसको क्यों बोला है क्योंकि देखो सैंडविच की तरह ही ये स्ट्रक्चर बना हुआ है बाहर की तरफ ये प्रोटीन है इनकी पूरी कवरिंग है और बीच में क्या है फोसफोलिपिड है जैसे ब्रेड जो है ब्रेड के बिल्कुल आउटर कवरिंग पर अगर हम सॉस लगा दें तो सॉस की एक पूरी लेयर बन गई और ब्रेड जो है वो अपने आप में एक लेयर है है ना डबल कवरिंग है ऐसे तो इसका मतलब क्या है एक सैंडविच की तरह ये मॉडल दिखाई दे रहा था इसलिए इसको सैंडविच मॉडल बोलते हैं बट ये रिजेक्ट हो गया तो इसके आगे जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमें पढ़ना है अभी तो उसमें हम देखेंगे कि क्या वो भी रिजेक्ट हुआ और अगर वो रिजेक्ट हुआ तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ ठीक है बच्चों तो इससे आगे वाला जो मॉडल है हमारा वो है यूनिट मेम्ब्रेन तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और जो भी डाउट आए उसको डिस्कस करो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो पर्सनली मैसेज कर सकते हो मेरे को ठीक है टिल देन बाय बाय